हेलो स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि वो कौन से फेनोमेना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को बताते हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, राइट। सो ब्लैक बॉडी क्या होती है? एनी सब्सटेंस विच कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल काइंड ऑफ रेडिएशंस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, एंड द रेडिएशन एमिटेड बाई ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई थी। तो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों इनर्जी पैकेट, इनर्जी पैकेट, ठीक है। और यहाँ पर एक पार्टिकल की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वांटा, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल या वन क्वांटा या वन फोटॉन, इक्वल टू एच न्यू। और अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं तो एनर्जी ऑफ देन एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स या n क्वांटा इक्वल टू n h न्यू, करेक्ट। एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था कि कोई भी सब्सटेंस है, आपने देखा था आयरन की रॉड को जब हम हीट करते हैं तो आयरन की रॉड रेडिएशन को इमिट करते हैं, तो इन्होंने क्या बताया कि कोई भी सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब जो करता है, कोई भी सब्सटेंस जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, और जो इमिट करता है वो भी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, यानी कि फोटोन, ठीक है। यानी कि सब्सटेंस जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो एच न्यू के पैकेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, और जो इमिट करेगा वो भी एच न्यू की पैकेट के फॉर्म में। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी वी कैन से एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। आई कैन से एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट, एंड वन पार्टिकल को आप पैकेट कह सकते हो, वन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा, ठीक है, या फोटॉन्स। अल्तो क्वांटा और फोटॉन को अलग अलग केस में यूज किया गया था, लेकिन दोनों की एनर्जी हम यही लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट फेनोमेना जो EMR के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है उसको पढ़ेंगे। सो ये न्यूमेरिकल है बच्चों, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज हैविंग वेवलेंथ 1.5 × 10⁻¹⁰ मीटर, करेक्ट। सो क्या गिवन, हमको वेवलेंथ गिवन है, दिस इज द वेवलेंथ गिवन, ओके, वेवलेंथ इज गिवन ऑफ एक्स रेज, और पूछा कि इस वेवलेंथ की करेस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी। तो एक्स रेज EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एंड हम पार्टिकल नेचर मान के चल रहे हैं, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल बी गिवन बाई E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, लेमडा गिवन, तो हम लिख सकते हैं न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी बाई लेमडा, तो वी कैन राइट एच सी बाई लेमडा, करेक्ट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एच, एच क्या होता है 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, इंटू सी की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाई वेवलेंथ कितनी दे रखी है 1.5 × 10⁻¹० मीटर। देखो बच्चों, यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट पुट कर रहे हो वो मीटर पर सेकेंड में है, तो वेवलेंथ को भी यहाँ पे मीटर में पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एच की वैल्यू किस में है, जूल सेकेंड में है, सो यहाँ से यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन मोल क्वांटा हुज फ्रिक्वेंसी इज 5×10^10 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्स। ठीक है, तो देखो एक मोल क्वांटा या एक मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो हमें पता है कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन या वन क्वांटा इज सिंपली एनर्जी पैकेट्स, ठीक है, इक्वल टू एच न्यू, यानी कि इक्वल टू एच न्यू। नाउ कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू क्या होती है 6.6×10^-34 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है 5×10^10, राइट, इंटू ये एनर्जी वन फोटोन की है और कितने पूछा है वन मोल क्वांटा की, तो उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू नो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.02×10^23। ऑब्वियस ही बात है अगर मैं कहूँ कि वन फोटोन या वन क्वांटा की एनर्जी वन जूल है और मैं आपसे पूछूं कि वन मोल क्वांटा की एनर्जी क्या होगी, वन मोल क्वांटा की एनर्जी क्या होगी, तो एक फोटोन की एनर्जी वन जूल है या एक क्वांटा की एनर्जी वन जूल है तो वन मोल की कितनी हो जाएगी 6.02×10^23 इंटू वन जूल, यानी कि Na इंटू वन जूल। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर एंड वेव नंबर ऑफ अ लाइट ऑफ अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड इक्वल टू 2×10^-10 सेकेंड। ओके, ये टाइम पीरियड दे रखा है और पूछा है कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेव नंबर क्या होगा। अब आपको बच्चों पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट क्या होती है सेकेंड इनवर्स, यानी कि रिवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ये क्या हो जाएगा 1/टाइम पीरियड, टी इज द टाइम पीरियड, सो 1/2×10^-10 हो गया है तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये कितना आ जाएगा 0.5×10^10 सेकेंड इनवर्स। नाउ फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी। नेक्स्ट क्या पूछा है इसमें, वेव लेंथ, तो वी नो दैट न्यू इक्वल टू क्या होता है c/लैम्डा। अब आपको लैम्डा फाइंड करना है तो लैम्डा क्या हो जाएगा c/न्यू, सी की वैल्यू क्या होती है 3×10^8, न्यू कितना आया था 0.5×10^10, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये 6 हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो पड़ गया तो 5×6=30, तो 6×10^-2 मीटर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या पूछा है, वेव नंबर, सो व्हाट इज वेव नंबर, बताया था मैंने वेव नंबर क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ यानी 1/लैम्डा, तो जो भी आपका लैम्डा आता है उसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/6×10^-2 और ये क्या हो जाएगा इसकी यूनिट मीटर इनवर्स, अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ अ वेवलेंथ ऑफ 4000 picometer दैट प्रोवाइड 1 joule ऑफ एनर्जी।
अच्छा क्या क्या गिवन है, पर ये लिखते हैं हम लोग, एनर्जी दे रखी है हमको 1 जूल, ठीक है, एंड वेवलेंथ कितनी दे रखी है 4000 पिकोमीटर। अब एनर्जी जूल में है तो एमकेएस यूनिट में हमको लैम्डा को मीटर में लेना चाहिए। पिकोमीटर क्या होता है बच्चों, 1 पिकोमीटर होता है 10^-12 मीटर। आपने सीखा 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10^-9 मीटर, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस 4000 × 10^-12 मीटर विच इज इक्वल टू 4 × 10^-9 मीटर इज द वेव लेंथ। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो, व्हाट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ दिस एनर्जी। क्या पूछ रहा हूं मैं कि इस कंटेनर के अंदर बच्चों बहुत सारे फोटॉन्स हैं और इनकी टोटल एनर्जी 1 जूल है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि टोटल फोटॉन्स कितने हैं। अगर मैं इसको क्वेश्चन इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से आपसे पूछूं कि एक फोटॉन की एनर्जी 1 जूल है तो बताओ कितने फोटॉन की एनर्जी 20 जूल होगी, तो आप क्या बोलोगे डायरेक्टली कि 20 फोटॉन्स। अब यहाँ पर 20 फोटॉन्स नहीं दे रखे हैं और ना ही एक फोटॉन की एनर्जी दे रखी है, टोटल फोटॉन की एनर्जी दे रखा है आपको 1 जूल, तो बताओ कितने फोटॉन्स होंगे। तो हमें पता है कि एनर्जी ऑफ एन फोटॉन क्या होती है, वी नो एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स इक्वल टू एन एच न्यू, ठीक है। नाउ अब हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, वेवलेंथ, सो वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस एन, यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एच इंटू न्यू की वैल्यू क्या होगी, सी बाई न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सॉरी दिस इज सी, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ओके। नाउ ई की वैल्यू हमने पुट कर दिया 1 जूल एंड एन हमें आइडेंटिफाई करना है और एच की वैल्यू क्या होती है 6.6 × 10^-34 जूल सेकेंड, करेक्ट। इंटू सी कितना होता है 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा कितना दे रखा है 4 × 10^-9 मीटर, 4 × 10^-9 मीटर। अब इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, आप इससे नहीं बच सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप n की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, सो यहाँ पे n की जो वैल्यू आएगी n इक्वल टू, अब इसको मैच कर लेना, इसको सॉल्व करने के बाद द वैल्यू ऑफ n विल बी 2 × 10^16 क्वांटा या फोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स, क्लियर इतना। नाउ कम टू नेक्स्ट फेनोमेना विच प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव पार्टिकल नेचर, राइट, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है लेकिन हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं, बस इसका इंट्रोडक्शन है। सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज द मेटल सरफेस और इस मेटल सरफेस पे अगर हम लाइट को इंसिडेंट करें, ये लाइट है जो कि इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट की गई है, ठीक है, इज द लाइट, करेक्ट, एंड जैसे ही ये लाइट इंसिडेंट होती है मेटल पे तो इसमें, अच्छा मेटल क्या होते हैं, मेटल्स हैज लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, सरफेस में भी हैं और सरफेस के इनसाइड भी हैं। तो सबसे पहले जब हम एनर्जी देंगे तो सबसे पहले जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, क्यों, एनर्जी देंगे तो इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी और दे विल लीव द सरफेस,
आप देखो जब वाटर को हीट करते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ करके वेपर के फॉर्म में नहीं आ जाते हैं, वैसे यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट फ्रॉम द सरफेस, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे पहले, क्योंकि दे प्रेजेंट एट द सरफेस, सबसे पहले इन्हीं को लाइट को फेस करना है, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे, द फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय इंसिडेंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन ये इजेक्ट होते हैं बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। बस हमको अपने सिलेबस में इनकी डेफिनेशन करनी है और एक दो क्वेश्चन इसमें हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, समझ गए। द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय इंसिडेंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो आइंस्टाइन थे इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था और इसी वजह से ही हैज बीन अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज। इन्होंने कहा कि जो लाइट है इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, वही बात जो प्लैंक ने कही, ठीक है। और इसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट में एक पार्टिकल की एनर्जी कुछ भी हो, एक पार्टिकल्स लाइट का केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करता है, ठीक है। अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ही सजेस्टेड, आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेन किया इसको, आइंस्टाइन सजेस्टेड दैट वी शुड नॉट थिंक ऑफ अ बीम ऑफ लाइट एज ए वेव, यानी कि लाइट को आप वेव की तरह नहीं कंसीडर कीजिए, बट रादर एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। और इसका रीजन क्या है वो देखो ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की, जैसे मान लो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 1 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है। और जो जो एनर्जी पैकेट आप डाल रहे हो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर सॉरी जो ये फोटॉन्स हैं दे आर एनर्जी पैकेट्स, यानी कि इनके पास एनर्जी है। अब मान लो इसमें एक फोटॉन की एनर्जी 10 जूल है, ध्यान देना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फोटॉन की एनर्जी 10 जूल है और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 1 जूल है। तो ऐसा नहीं है कि एक फोटॉन फिर 10 इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करा देगा, एक फोटॉन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को एग्जिट कराता है फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो आप कहोगे सर 9 जूल एनर्जी कहाँ चलेगी, दिस 9 जूल एनर्जी इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिससे कि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। यही पार्टिकल नेचर है कि 1 फोटॉन की एनर्जी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फोटॉन ओनली इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इफ यू इंसिडेंट लाइट हैविंग 100 फोटॉन्स देन 100 इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट आउट, करेक्ट। सो इस बात को और अच्छे समझते हैं। नाउ मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है बच्चों, उस एनर्जी का नाम होता है वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, या इस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, दिस ऑल्सो कॉल्ड थ्रेशोल्ड। इसका मतलब होता है मिनिमम एनर्जी, ठीक है। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम W से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसे होता है h nu naught। अब ये कह सकते हो कि सर h nu और h nu naught में क्या फ़र्क है, तो h nu जो है वो लाइट जो इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पे वो है, और nu naught क्या है कि उस लाइट का उस फ्रिक्वेंसी का कितना पार्ट यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करने में। तो इसलिए फ्रिक्वेंसी का नाम है मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन एग्जिट होगा, या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं। इसको और क्लियर करने के लिए आप ऐसे समझो कि सपोज हमने 1 फोटॉन इंसिडेंट किया हैविंग एनर्जी h nu, ठीक है बच्चों। तो 1 फोटॉन हमने इंसिडेंट किया h nu एनर्जी का,
और इस एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को एजिट कराने में चला गया, जो पार्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चला जाता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, यानी कि W प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी फोटोन की वो ट्रांसफर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन प्लस के ई। इसे आप एनर्जी कंजर्वेशन कह सकते हो, ठीक है। सो एक बार मैं और लिखता हूँ इस बात को कि दिस इज द मेटल सरफेस एंड यू हैव गिवन एनर्जी एच न्यू एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट हो गया इस तरीके से। सो एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो देखो एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब मैंने फिर से बोला कि इस फोटोन की एनर्जी 10 जूल है और उसका 1 जूल चला गया इलेक्ट्रॉन को निकालने में और रिमेनिंग 9 जूल एज ए ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यू कैन राइट एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। सो वी कैन ऑल्सो राइट हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच, इसको मैं इधर ले आया लेफ्ट हैंड साइड में, सो एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये तो ऐसे ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अल दो ये भी इनफ है, ठीक है। एक बात आपको और याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि जब फोटोन इंसिडेंट होता है एंड इलेक्ट्रॉन एजिट होता है तो उनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता, नो टाइम लैग। क्या मतलब है कि देयर इज नो डिफरेंस इन टाइम, कि ऐसा नहीं कि फोटोन जैसे ही इंटर किया उसके एक सेकेंड बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कोई टाइम डिफरेंस, जैसे फोटोन कोलाइड करेगा मेटल सरफेस को इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। अब दूसरे पॉइंट क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के सरफेस में स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि लिथियम और सीजियम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस में ऑब्जर्व करना आसान है, तो यू विल से सीजियम। व्हाई? क्योंकि सीजियम जो है इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है बच्चों, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन दे विल बी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और आपको पता है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। जो लिथियम है उसका साइज छोटा है, इसमें केवल दो सेल होती हैं इस तरीके से, तो लिथियम को जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के काफ़ी पास है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स वाई लिथियम इज़ अ बैड मेटल टू ऑब्जर्व फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन छोटे साइज लिथियम है, बेरेलियम है, इसका साइज भी बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास होंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वी रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसलिए ऐसे मेटल को जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड नहीं है उसको अवॉइड करते हैं टू ऑब्जर्व फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में और क्या बातें हमको ध्यान रखनी है। अब मैं आपसे पूछूं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किस केस में ऑब्जर्व नहीं होगा, सो हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन। कैसे आंसर करोगे? सो ई इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हो गया और कितनी एनर्जी ली उसने, डब्ल्यू यानी कि वर्क फंक्शन के बराबर। अब मैं आपसे कहूँ कि जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है। अब इलेक्ट्रॉन को एग्जर्ट करने के लिए 1 जूल लेने चाहिए और जो आपने फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट की है वो 0.5 जूल है, तो क्या इलेक्ट्रॉन एग्जिट होंगे? नहीं, ठीक है। सो हम इसमें क्या ले सकते हैं, नंबर वन पॉइंट,
नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन वर्क फंक्शन, या फिर इसको ऐसे कह सकते हो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन न्यू नॉट. न्यू नॉट क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. तो अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम है तो एनर्जी इंसिडेंट नहीं होगी, क्योंकि हमको पता है ये एच न्यू है एंड लेस देन एच न्यू नॉट. तो एच तो कांस्टेंट है, यानी कि न्यू इज लेस देन न्यू नॉट. अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट आउट. नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? When frequency of light is equal to nu naught, अगर ऐसा होगा तब क्या होगा? तो फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होंगे लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी, यानी कि वो सरफेस के आसपास ही बने रहेंगे, उनको वेलोसिटी नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो भी आपने फ्रीक्वेंसी दी है वो सारी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को निकालने में चली गई, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया. तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी जीरो विल बी इजेक्ट. एंड तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है देन इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट आउट, देन इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट विथ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी जो हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन इलेक्ट्रॉन विल एजेक्ट आउट विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अगर बच्चों में काइनेटिक एनर्जी, आप इसको फोर्थ पॉइंट समझ सकते हो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ खींचूं, तो ध्यान समझना, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ खींचूं, तो जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसे क्या बोलोगे आप? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो मान लो कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो जीरो फ्रीक्वेंसी में तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. इस पॉइंट की ओरिजिन है तो जीरो पॉइंट हुआ. ठीक है, तो यहाँ पर मान लो इतनी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन एजिट हो रहे हैं तो इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या दोगे आप? न्यू नॉट. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एजिट हो रहे हैं. अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, तो वी कैन मेक ग्राफ लाइक दिस. ठीक है, सो एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि मिनिमम एनर्जी मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो यूज होगी इलेक्ट्रॉन को एजिट करने में, और बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है इसके पास दैट विल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द फॉर द इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट, ये बात बिल्कुल समझ आ गई आपको. सो नाउ कम टू बोर मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल्स. तो हम लोग वेरियस एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे, इसके बीच में जो हमने लाइट के कुछ फिनोमेना पढ़े हैं तो दैट वाज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड बोर एटॉमिक मॉडल. ठीक है, सो बोर एटॉमिक मॉडल को कंटिन्यू करने से पहले हमें प्रीवियस मॉडल को हमने कहाँ पे छोड़ा था वो उसे ध्यान देना पड़ेगा. तो आपको याद है रदरफोर्ड मॉडल में कुछ ड्रॉबैक थे, और वो ड्रॉबैक क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को इमिट करेगा तो वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज हो जाएगा एंड फाइनली इट शुड फॉल ऑन द न्यूक्लियस एंड एटम शुड नॉट एग्जिस्ट, बट इट डज नॉट हैपन. ये सारे पॉइंट थे. और दूसरा पॉइंट ये क्या था कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की कोई सही लोकेशन रदरफोर्ड ने नहीं दी थी. उन्होंने कहा था इट कीप मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस. ओके,
अब देखो बोर मॉडल से आपको वो सारे आंसर मिलेंगे जो कि हमने थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल में छोड़े थे, ठीक है। तो पहले इनका एजम्पशंस देखते हैं हम लोग क्या है। सो लाइक रदरफोर्ड मॉडल ही ऑल्सो सेड दैट कि देर इज ए न्यूक्लियस इनसाइड द एटम वेयर टोटल मास ऑफ द एटम एग्जिस्ट एंड एटम्स के बाहर फिक्स नंबर में सर्कुलर ऑर्बिट हैं, इस तरीके से सॉरी एटम के बाहर ऑर्बिट्स हैं हैविंग फिक्स एनर्जी। तो मैं इससे बना रहा हूँ, अब सुना ध्यान से। एजम्पशंस व्हाट इज इट कि रदरफोर्ड मॉडल की ये बात ट्रू है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियस के सराउंडिंग में वो सर्कुलर मोशन करता है बट इन ए फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट और इन सर्कुलर ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट या इसको क्वांटाइज्ड ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या मतलब है इसका कि जो ऑर्बिट हैं वो इस नंबर में कैसे वन फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट। तो मैंने कहा कि जब कोई इस तरह सीक्वेंस में होती है 1 2 3 तो इसे हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट और इन ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी फिक्स है। यानी कि मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है n इक्वल टू 1, दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट, दिस इज थर्ड ऑर्बिट जिसे आप शेल कहते हो। तो जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मान लो इट हैज एसोसिएटेड विद 1 जूल एनर्जी, मैंने इसे कह दिया कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 1 इसकी 1 जूल एनर्जी है। तो इसकी 1 जूल एनर्जी ही रहेगी हमेशा चाहे वो मेनी ईयर्स तक इसी में घूमता रहेगा। सॉरी आई एम सेइंग अगेन कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रहता है फॉर लॉन्ग टाइम देन उसकी एनर्जी 1 जूल ही बनी रहेगी। अब अगर सेकेंड ऑर्बिट है मान लो सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2 में एनर्जी 2 जूल है सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉन्ग टाइम तक 2 जूल ही रहेगी जब तक कि वो सेकेंड ऑर्बिट में ही रहता है। यानी कि हर ऑर्बिट एक एनर्जी से एसोसिएट है। आई कैन से लाइक दैट कि ईच ऑर्बिट एसोसिएटेड विथ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, करेक्ट। अच्छा ऑर्बिट जितना दूर होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एक बात और ध्यान रखना, इन्हीं ऑर्बिट को बड़ा अच्छे टर्म में यूज किया बोर ने और इन ऑर्बिट का नाम दिया एनर्जी लेवल। तो जिसे आप बोलते हो ना बच्चों कि n इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट होता है तो अब हम कहेंगे n इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, ठीक है। और n इक्वल टू 2 को क्या बोलोगे आप लोग, सेकेंड एनर्जी लेवल। n इक्वल टू 3 को क्या बोलोगे, थर्ड एनर्जी लेवल। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के बाहर होते हैं और जितना बड़ा नाम होगा इसे n इक्वल टू 4 पे हम जाएंगे तो इसे बोलेंगे फोर्थ एनर्जी लेवल, दिस इज द n इक्वल टू 3 फॉर 2 के लिए, ठीक है। सो ईच ऑर्बिट एसोसिएटेड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी और उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी वही एनर्जी होगी एंड ये एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में रहता है। इतना क्लियर है सभी को? नाउ सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, व्हाइल मूविंग इन दिस ऑर्बिट इट डज नॉट लूज एनर्जी। वही बात जो मैंने कही कि इलेक्ट्रॉन जब तक इन ऑर्बिट में बना रहेगा, जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी जो फर्स्ट ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो बनी रहेगी हमेशा। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी कम या ज़्यादा नहीं होगी जब तक कि वो उस ऑर्बिट में बना रहता है। फिर एनर्जी मैं किस बात का आंसर करना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो बात हुई थी मैक्सवेल की कि इलेक्ट्रॉन विल इमिट रेडिएशन व्हाइल मूविंग, सॉरी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उस बात को हमें प्रूव करना है। तो अब हम उसको प्रूव करने जा रहे हैं। देखो जो इनका थर्ड स्टेटमेंट था बोर मॉडल का उसको ध्यान से समझना। इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ
रेडिएशन कैन ओनली अकर व्हेन इट मेक्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इस पॉइंट को आप समझ लो, मैं क्या कह रहा हूँ इतनी देर से कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी जब तक कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है। जो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी फिक्स रहनी है जब तक वो सेकेंड में रहता है, कोई एनर्जी को इमिशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो मैक्सवेल के पॉइंट का आंसर है कि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी को इमिट एब्जॉर्ब करते रहेगा। कब करेगा एनर्जी को इमिट एब्जॉर्ब? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट। अब समझना, n इक्वल टू वन का मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, n इक्वल टू का मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल। अब n इक्वल टू वन फर्स्ट है यानी कि इसकी एनर्जी कम है, और सेकेंड एनर्जी लेवल नाम है सेकेंड एनर्जी लेवल यानी कि एक स्टेप ज़्यादा एनर्जी लेवल। तो अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू वन से n इक्वल टू टू में जंप करेगा तो इसको एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए आपको पता है कि 2 जूल एनर्जी चाहिए और n इक्वल टू 1 में 1 जूल एनर्जी चाहिए। 1 जूल 2 जूल ये मैं आपको बस समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ। बस आप ये समझो कि सेकेंड एनर्जी लेवल में रहने के लिए ज़्यादा एनर्जी, थर्ड एनर्जी लेवल में रहने के लिए सेकेंड एनर्जी लेवल से ज़्यादा एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन चाहे जंप करना चाहता है, इसका मन कर रहा है कि मैं सेकेंड ऑर्बिट में आऊँ, तो देन इट हैज़ टू एब्जॉर्ब एनर्जी, क्योंकि अभी इसके पास एनर्जी कम थी। तो इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी। और याद करो प्लैंक ने क्या बात बोली कि एनर्जी विल एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन फोटोन, यानी एच न्यू के फॉर्म एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या और क्या बोलेंगे इसको, रेडिएशन एब्जॉर्ब है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब या रेडिएशन एब्जॉर्ब। अब अगर इलेक्ट्रॉन मान लो सेकेंड एनर्जी लेवल में है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, नाउ ही वांट टू कम बैक टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल। सो अगर वो यहाँ पे आएगा तो मान लो यहाँ पे इसके पास 2 जूल एनर्जी थी, यहाँ पर 1 जूल है, तो इसको एक्स्ट्रा जो 1 जूल इसके पास है दैट इट हैज़ टू इमिट। तो एनर्जी विल इमिट, तो एनर्जी देखो इमिट बाहर निकल रही है, बट किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी इमिट भी होगी। ठीक है, एक पॉइंट और समझ लो आप, यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको दूर हो सकता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है। अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है, सपोज फोर्थ से फर्स्ट में, और देन फिर क्या करेगा, ये रेडिएशन एमिट करेगा, यहाँ भी क्या होगी एच न्यू। अब आप ये कह रहे हो, कह सकते हो कि सर जब वो सेकेंड से वन पे आ रहा है तभी एच न्यू इमिट कर रहा है, और जब फोर्थ से वन पे आ रहा है तब भी एच न्यू इमिट कर रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस तो फोर्थ से वन ज़्यादा होता है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एच न्यू इमिट कर रहा है, लेकिन न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और यहाँ की फ्रीक्वेंसी अलग है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी गैप ज़्यादा है। फोर्थ से वन पे आएगा तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को इमिट करेगा, और जब सेकेंड से वन पे आएगा तो कम एनर्जी की रेडिएशन को इमिट करेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली ऑन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पॉसिबल हों, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन टू पाई हो। अब बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आ गया एंगुलर मोमेंटम। तो अगर आपने टेंथ में सुना हो लीनियर मोमेंटम m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम। अब जब कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, दिस रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस बिकम एंगुलर मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होना चाहिए, nh अपॉन टू पाई, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू 1 तो ये आ जाएगा एच अपॉन टू पाई। कब, जब n की वैल्यू 1 है, अगर मैं h अपॉन टू पाई सॉरी 2h अपॉन टू पाई लिखता हूँ तो मतलब n की वैल्यू 2 है। तो इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दो ऑर्बिट जिसमें कि एंगुलर मोमेंटम h अपॉन टू पाई हो, या फिर 2h अपॉन टू पाई हो, या फिर 3h अपॉन टू पाई हो, या फिर 4h अपॉन टू पाई हो, या 5h। इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन कभी मूव नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कैसा है, 1, 2, 3, 4, 5। जब बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, तो देखो मैंने क्या लिखा था, एम वी आर इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन टू पाई, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो
यहाँ पर एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरह हो सकती है, तो ये एंगुलर मोमेंटम आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन या फिक्स एंगुलर मोमेंटम मूव करता है। एंगुलर मोमेंटम क्या है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो अंडर एक्सेलरेशन, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स भी तो लग रहा है वहाँ पर। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वजह, वो भी तो काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये मूव कर रहा है और उस मोमेंट को, या इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसका मोमेंट इफेक्ट हो रहा है बाई न्यूक्लियस, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, एम वी आर विच इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एन की वैल्यू क्या हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट। सो एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। सो अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ कि क्या बोला इन्होंने फर्स्ट पॉइंट से कि इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट और कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। दूसरा, व्हाइल मूविंग इन दिस ऑर्बिट इट डज नॉट लूज एनर्जी, यानी कि ग्राउंड स्टेट, इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, या मैं इसको बोलूँगा कि इलेक्ट्रॉन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर। एंड द फोर्थ पॉइंट वॉज इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली ऑन दोज ऑर्बिट्स व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस, ठीक है। नाउ एक बात और, ये तो फोर पॉइंट हो गए, अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फॉल क्यों नहीं करता है? उसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रॉन मिनिमम से मिनिमम एन इक्वल टू वन ऑर्बिट पे रहेगा, उसके बाद नीचे और नहीं आ सकता। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि आपको दो फोर्स बताए थे मैंने, एक था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसकी वैल्यू थी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरा फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था k Z e स्क्वायर बाई आर। ये दोनों फोर्स बैलेंस होते हैं, एक फोर्स उसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करता है और दूसरा फोर्स उसको बाहर की तरफ करता है, जिससे कि बैलेंस रहता है इलेक्ट्रॉन और वो कभी न्यूक्लियस पे नहीं गिरता है। ये दोनों फोर्स मैंने लिखे थे इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। नाउ अब मैं बोहर्स की कुछ रिजल्ट लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन मतलब है बोर्स रिजल्ट, फिर इनके रिजल्ट को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो देखो, इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला था कि जिस एटम के बारे में लोगों को एक्सप्लेन करने में इतनी दिक्कत होती थी उसकी रेडियस निकाल दी, एनर्जी निकाल दी, वेलोसिटी तक बता दी। सो इन्होंने क्या बताया, देखो, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इक्वल टू EN इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑल्दो इस सब फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक बार ये फिनिश होने के बाद कैसे आया। बट आप मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, अभी इसको भी बताता हूँ मैं। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाई EN इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने ये बताया। एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होती है। अगर इसको आप जूल में कन्वर्ट करना चाहो तो देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम इंटू, ये वोल्ट जो होता है बच्चों, ये वोल्ट होता है जूल पर कूलम, इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम। तो ये कूलम से कूलम कट गया तो ये क्या बचा 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है। यानी कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो आप 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होंगे, तो यू कैन राइट 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा जो फॉर्मूला उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाई 0.59 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻¹⁰ मीटर। एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाई
2.16 × 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। इन सभी के डेरिवेशन में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बता दी कि यू कैन फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है। यू कैन फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। यू कैन फाइंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा तो रेडियस कम आएगी, सेकेंड ऑर्बिट में होगा तो दूर होगा तो रेडियस ज़्यादा आएगी। लेकिन लास्ट में एक बात जो आपको और ध्यान रखनी है कि बोर्स मॉडल ओनली अप्लाइड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। अब समझ लो कि सारा काम पूरी लाइफ भर बोर ने हाइड्रोजन एटम पे ही किया। और हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब कि हाइड्रोजन पे आपको पता है कि वन इलेक्ट्रॉन होता है, तो जिस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है उस पर ही इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहो कि बोर मॉडल के फॉर्मूले मुझे हीलियम पे अप्लाई करने हैं तो हीलियम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो, तो पहले इससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। अब ये बन गया हीलियम प्लस, अब इसके पास अभी वन इलेक्ट्रॉन है तो इस पर अप्लाई कर सकते हो बोर्स के फॉर्मूले। अगर आपको लिथियम पे अप्लाई करना है तो लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कितने निकालने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लिथियम 2+ बन जाएगा एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप बेरिलियम पे अप्लाई करना चाहते हो तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, आपको 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे इससे, ठीक है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, अब इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको कि लिथियम 2+ हीलियम प्लस एंड हाइड्रोजन में फाइंड रेडियस इन फर्स्ट ऑर्बिट। फाइंड रेडियस इन फर्स्ट ऑर्बिट तो कैसे करोगे, देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, Rn इक्वल टू 0.59 × n² / z। फॉर हाइड्रोजन के लिए देखो, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए राइट, देखो हाइड्रोजन मैंने लिखा मैं यहाँ पर लिखता हूँ R1 फॉर हाइड्रोजन, तो 0.59 × n। जेड के यहाँ पे एटॉमिक नंबर, जेड इज द एटॉमिक नंबर, सो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड कितना होता है इसके लिए 1, तो आ गया 0.59 angstrom, ठीक। अब आपको बताना है हीलियम प्लस के लिए तो कैसे निकालोगे, सो R1 क्योंकि सभी में फर्स्ट ऑर्बिट है, R1 फॉर हीलियम प्लस, तो कैसे निकालोगे, 0.59 × n² फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइड बाई जेड कितना हीलियम के लिए, कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका, 2 angstrom, ये इसका आंसर आ गया। अब आपको लिथियम के लिए निकालना है तो R1 फॉर लिथियम 2+ कितना आंसर आएगा, 0.59 × 1² डिवाइड बाई इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। सो इस पर हम खूब सारा न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी और ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार आप इसको अच्छे से देख करके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए।